अरे क्या बात है पारो, लगता है सदियों बाद आज तुम नहाई हो हा? और पीले सूट में एकदम कयामत लग रही हो। कयामत, चुप कर नास्तिक, तू है कौन और मुझे इस तरह क्यों टोक रहा है? अरे गुस्सा मत करो जानू, मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ। कौन सा आशिक और कैसा आशिक? मैं तुझे नहीं जानती और ऐसे हर कोई राह चलता आकर मुझे जानू बोलेगा तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी क्या? इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। देख, तू कोई अंबानी अडानी नहीं है जो मैं तुझे जानूंगी। कैसी बात करती हो रानी, अंबानी अडानी भी मुझे देखकर राल टपकाने लगते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा? और मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ खूब चुम्मा चाटी करते हैं। देख, तू घुमा फिरा कर बात मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सीधा सीधा बता दे, तू है कौन? याद करो वो दिन जब तुम 3 साल की और मैं 5 साल का था और तुम सही से चड्डी पहनना भी नहीं सीखी थी। What? तब हम लोग साथ में हगने जाते थे और वहीं बैठकर टिक टिक पत्थर बजाते थे। अच्छा, अब समझ में आया, तू हमारे पास वाले मिश्रा अंकल का वो लाला। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अब याद करो वो दिन जब हम पहली से लेकर 8वीं तक साथ साथ पढ़े थे और तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ? और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी। हाँ? अरे कमीने, ऐसे कैसे बता लूं मैं तेरे साथ घर? शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए घर परिवार पद पैसा और लड़का सरकारी जॉब करता है कि नहीं ये सब देखना पड़ता है। हाँ?